चेहरे पर रोबीली मूछें, आंखों पर चश्मा और तनी हुई मांसपेशियों वाला गठीला बदन। ये चेहरा कभी कभार ही मीडिया के कैमरों पर चमकता है, लेकिन इसका शुमार देश की मशहूर और रसूखदार शख्सियतों के बीच होता है, क्योंकि यह देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा। और यह रॉबर्ट वाड्रा का पुश्तैनी मकान, जिससे जुड़ी यादों का जिक्र भी हम करेंगे आगे। लेकिन पहले गांधी परिवार के चौथे स्तंभ रॉबर्ट वाड्रा की बात, क्योंकि उन पर लगे हैं भ्रष्टाचार के ऐसे संगीन इल्जाम जिसकी तपिश महसूस कर रहा है पूरा गांधी परिवार। रॉबर्ट वाड्रा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। क्यों दिया डीएलएफ को, इससे क्या फायदा हुआ, ये एक सोचने वाली बात है। सोनिया गांधी के दामाद और 10 जनपद की तरफ उठे आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों की फौज ने फौरन पोजीशन ले ली। आप भी देखिए कांग्रेस की जवाबी फायरिंग की एक झलक। इस तरह की ऊंची हरकत को हम जोरदार शब्दों में उसका खंडन करते हैं। जो फर्स्ट फैमिली थी वही जो है वो वर्स्ट फैमिली बन गई। मीडिया के सामने बेबुनियाद इल्जाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक तरह से राष्ट्रीय दामाद हो गए हैं। लोन लेना क्या बुरा है, आप भी लोन लेते हैं, मैं भी लोन लेती हूँ। ये मुद्दा सामने आया है तो सरकार को इसकी जांच तो जरूर करना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा का ये साबित नहीं हो रहा कि उन्होंने डीएलएफ को 1 रुपए का भी कोई फायदा कराया। ऋण मुक्त जो पैसा मुहैया कराया गया इसके पीछे आधार क्या है? किसी के पास संपत्ति है, वो संपत्ति तो इनकम टैक्स के सामने है। क्या है रॉबर्ट वाड्रा का डीएलएफ कनेक्शन? देश की सबसे मशहूर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ आखिर रॉबर्ट वाड्रा पर क्यों मेहरबान हुई? बेहद कम वक्त में कैसे चमक उठा रॉबर्ट की प्रॉपर्टी का धंधा? इन सवालों ने भले ही कांग्रेस पार्टी में तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन इनके मुकम्मल जवाब कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं आए हैं। ज्यादा मजे की बात यह है कि डीएलएफ ने उनको 65 करोड़ का लोन दिया और उस 65 करोड़ से उन्होंने डीएलएफ की ही प्रॉपर्टीज खरीदी, बहुत सारी, और वो भी डीएलएफ की प्रॉपर्टीज उन्होंने डीएलएफ ने सस्ते में दे दी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें कि 35 करोड़ की डीएलएफ की प्रॉपर्टी डीएलएफ ने उनको 5 करोड़ में दे दी। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि डीएलएफ ने गुड़गांव के अपने मैग्नोलिया अपार्टमेंट में वाड्रा की कंपनियों को 7 फ्लैट महज 5 करोड़ 20 लाख रुपए में दे दिए गए, जिनका बाजार भाव 35 से 70 करोड़ रुपए था। ऐसे ही अरालियाज अपार्टमेंट में एक पेंट हाउस 89 लाख में दिया गया, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए थी। दिल्ली में डीएलएफ के हिल्टन गार्डन होटल की 50% हिस्सेदारी भी वाड्रा को सिर्फ 32 करोड़ रुपए में मिली, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए थी। पहले तो 65 करोड़ दे दिए और फिर कहा कि इन 65 करोड़ से तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो, और वो अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने इतने सस्ते में दे दी कि 35 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में दे दी। तो इसमें डीएलएफ को क्या फायदा हुआ, डीएलएफ ने ऐसा क्या किया, रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ को क्या फायदा पहुंचाया, ये कई सारे प्रश्न हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर इल्जामों की ये लिस्ट काफी लंबी है,
फिलहाल इसे यहीं छोड़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि गांधी परिवार से रिश्तेदारी के अलावा भी आखिर रॉबर्ट वाड्रा हैं कौन। खुद रॉबर्ट वाड्रा जो है उन्हें काफ़ी राहुल गांधी से उनकी रिश्तेदारी के अलावा बहुत दोस्ती भी है, मिलनसार व्यक्ति हैं और उनको काफ़ी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि है। ये वो जिम में काफ़ी दिल्ली के जो मुख्तलिफ जिम्स हैं वहाँ के ऊपर वो नज़र आते हैं। एक्सरसाइज करने का शौक़ है, बाइक चलाने का शौक़ है। फैशन और फिटनेस के क्रेजी रॉबर्ट वाड्रा जिम में जमकर पसीना बहाते हैं। ये उनके फिटनेस का ही कमाल है कि 43 साल की उम्र में भी एक अंग्रेजी अखबार ने उन्हें साल 2011 के बेस्ट ड्रेस्ड मैन के खिताब से नवाजा। वैसे रॉबर्ट को शौक रंगीन पार्टियों का भी है और लग्जरी कारों का भी। उनके बेड़े में जहां मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर जैसी महंगी विदेशी कारें हैं, वहीं हायाबुसा, हार्ले डेविडसन और डुकाटी जैसी टॉप एंड बाइक्स पर वो करते हैं तूफानी सवारी। और रफ्तार का यही नशा है जो उन्हें फॉर्मूला वन के ट्रैक तक भी खींचता रहा है। I'm here for my son's sake and he's disappeared, but he's here. I think it was very peaceful, it was very well organized and I could enjoy every part of the race and saw everything was spectacularly and well organized. पत्नी प्रियंका गांधी अपने दो बच्चों बेटे रेहान और बेटी मिराया के साथ दिल्ली में रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा लेकिन उनके खानदान की जड़ें कहीं और जुड़ी हैं। वाड्रा के उस शहर में भी आपको हम ले चलेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे जुड़ा रॉबर्ट वाड्रा से गांधी परिवार का कनेक्शन। दरअसल बात 1991 की है, जब दिल्ली में एक कॉमन फ्रेंड के घर पर पहली बार रॉबर्ट और प्रियंका की मुलाकात हुई थी। बाद के सालों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और 6 साल बाद रॉबर्ट और प्रियंका ने ब्याह रचा लिया। February 18, 1997 का वो दिन जब रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के साथ विवाह के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए गांधी परिवार का अहम हिस्सा बन गए और इसी के बाद देश भर में उनकी एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि वो बन गए थे सोनिया गांधी के दामाद। रॉबर्ट वाड्रा की प्रियंका गांधी से मुलाकात दिल्ली में हुई थी। उनके जो फैशन शोज के और जो फैशन डिजाइनर्स हैं उनके सर्किल में दोनों थे, तो वहाँ पर उनकी आपसी मेल मुलाकात हुई और उनकी दोस्ती बढ़ी और जो उन्होंने अपने पसंद से शादी की और शादी को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ था, दोनों परिवार तैयार थे। लेकिन उसके बाद में रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में कई दिक्कतें हुई। प्रियंका गांधी से शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा के परिवार ने क्या दिक्कतें झेली ये तो अभी भी राज ही है। लेकिन ये भी सच है कि प्रियंका से विवाह के बाद रॉबर्ट वाड्रा नेहरू गांधी परिवार के जितने करीब होते गए, अपने पिता और परिवार से उतने ही दूर। क्यों बढ़ी ये दूरियां, उसका जिक्र हम करेंगे आगे। पहले सुनिए कैसे शादी के बाद मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले रॉबर्ट वाड्रा की बदल गई जिंदगी। किसी बड़े परिवार से जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हर तरह के लोग हथकंडे भी अपनाते हैं, तो उसमें जो है सार्वजनिक जीवन में बड़ा उसको रखरखाव रखना पड़ता है। नेहरू गांधी फैमिली जो है वो अपनी जो है थोड़ी सी वो प्राइवेसी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है सब चीज़ें देख करके। और मुझे लगता है कि अभी तक रॉबर्ट वाड्रा का जो ने जो कुछ किया सार्वजनिक जीवन में उसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं आया। गांधी खानदान से संबंधों के अपने अलग मायने हैं, बहुत सी सहूलियतें, ढेर सारी रियायतें, सत्ता की चकाचौंध और सुरक्षा का सख्त घेरा। इतने बड़े और ताकतवर परिवार में आकर रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी भी अचानक तब्दील हो गई और इसी के साथ बदलने लगी उनकी सोच भी, जिसने उन्हें अपने ही परिवार से दूर कर दिया, उस परिवार से जो उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में बसा था, जहां 18 अप्रैल 1969 को हुआ था खुद रॉबर्ट वाड्रा का जन्म।
और एक बार एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ के ऊपर रॉबर्ट वड्रा को एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी कि उन्होंने एक विज्ञापन के जरिए जो था अखबार में एक विज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका अपने रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, वो अगर किसी तरीके का राजनीतिक लाभ उठाना चाहे तो उन्होंने जनता से अपील करी कि उनको किसी किस्म का लाभ न दें। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने 2001 में अपने पिता राजेंद्र वाड्रा और भाई रिचर्ड के खिलाफ ही अखबार में इश्तेहार जारी कर दिया था। उनका आरोप था कि उनके पिता और भाई गांधी परिवार से उनके संबंधों के चलते लोगों को यूपी कांग्रेस में पद दिलाने के नाम पर ठग रहे हैं। बदले में रॉबर्ट के पिता ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराने की बात भी कही थी। आगे हम आपको बताएंगे रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर यह है यूपी का शहर मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर है। और यहीं रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा भी पीतल और वुड हैंडीक्राफ्ट का कारोबार करते थे। में अपनी शादी के बाद खुद रॉबर्ट वाड्रा ने भी उसी साल आर्टेक्स एक्सपोर्ट नाम की कंपनी बनाकर हैंडीक्राफ्ट आइटम और कस्टम ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया था और आज भी उनका यह सफर जारी है। आई एम पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिली इन दिस कंट्री। At the moment, you can see I'm at my handicraft fair where I belong, where I've been coming for years together, and it's an ancestral business. I'm happy doing that. I'm happy being here, being in all the other businesses that I do. I don't have real plans at the moment to join politics. मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के इसी मकान में 90 के दशक में पूरा वाड्रा परिवार साथ रहता था। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा के दादा पाकिस्तान में सियालकोट के रहने वाले थे, लेकिन 1947 में देश के बंटवारे के बाद वो मुरादाबाद आकर बस गए थे और इस हवेली नुमा मकान के इसी लंबे चौड़े आंगन में अपने भाई रिचर्ड और बहन मिशेल के साथ हंसते खेलते बीता रॉबर्ट वाड्रा का बचपन। 97 से इसमें रह रहे हैं और ये पहले सब ये बडेरा साहब की कोठी थी। सारे भाई इसमें यूनाइटेड रहते थे, जितने भी थे सब पूरी फैमिली है। 97 में इनसे परचेज की थी, उसके बाद ये लोग सब दिल्ली चले गए। जो इनका लड़का है रॉबर्ट बडेरा, उसकी मैरिज हो गई उस समय, वो दिल्ली जाके शिफ्ट हो गया, अपना एक्सपोर्ट का कारोबार करता है। सेंट मैरी सिविल लाइन इलाके में मौजूद यही वो स्कूल है जहां रॉबर्ट वाड्रा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। रॉबर्ट वाड्रा के ताऊ ओम प्रकाश वाड्रा तो आज भी मुरादाबाद में ही रहते हैं, जिन्होंने अपनी जायदाद एक ऐसे ट्रस्ट को दान दे दी जिसके कई सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बताए जाते हैं। वाड्रा परिवार की दान की गई उसी जमीन पर आज एक स्कूल भी चल रहा है। अच्छे लोग थे और समझदार थे, फैमिली मेंबर अच्छे थे। अच्छा। और सब फैमिली के हमारी इनसे आना जाना रहा, उसके हमारे इनसे ताल्लुकात हो गया, बहुत अच्छी फैमिली थी और आज भी इनसे आना जाना है। इनके ओ पी वगैरह वगैरह जो है उनसे आज भी आना जाना है, तीज त्यौहार पे जाते हैं वो भी आ जाते हैं यहाँ पर। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। शादी के बाद जब रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार का हिस्सा बने तो उनके अपने परिवार से ही रिश्ते बिगड़ने लगे, लेकिन उन्हें पहला सदमा तब लगा
जब 2001 में उनकी बहन मिशेल की कार दुर्घटना में मौत हो गई और दो साल बाद ही 2003 में उनके भाई रिचर्ड ने भी खुदकुशी कर ली। 2009 में उनके पिता राजेंद्र वाड्रा भी दुनिया को छोड़ गए। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने भी खुदकुशी की थी, यानी रॉबर्ट वाड्रा के पास बची तो सिर्फ मां मॉरीन वाड्रा। मेरी अक्सर कभी कभी फेयर में मुलाकात रॉबर्ट से हुई है। बहुत अच्छी आदत का रॉबर्ट है, बड़ा हंसमुख मिलनसार। क्या पुराने रॉबर्ट में और आज के रॉबर्ट में कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? नहीं, मुझे तो पुराने रॉबर्ट में और आज के रॉबर्ट में कोई इतना फ़र्क महसूस नहीं होता जैसा पहले था। थोड़े उसके अंदर मैच्योरपन आ गया है और बाकी तो बहुत अच्छे लोग हैं ये। अपने परिवार को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले रॉबर्ट वाड्रा को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी विवादों ने घेरा। अमेठी में रॉबर्ट की बाइक रैली रोकने वाले आईएएस अफसर के तबादले को लेकर भी खासा बवाल मचा और उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी में ही हड़कंप मच गया जब चुनाव प्रचार के दौरान ही रॉबर्ट वाड्रा के दिल की तमन्ना जुबा पर आ गई। आप कभी चुनाव लड़ेंगे? आप आना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? अगर लोगों की इच्छा होगी तो मैं जरूर आऊंगा। रॉबर्ट आज कह रहे हैं राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है, तो आपने कुछ गोलमोल सवाल किया होगा और फिर उसका अपना ही उत्तर निकाला होगा। रॉबर्ट जी बहुत खुश हैं अपने व्यापार में और मेरे ख्याल से वो यही कहना चाह रहे होंगे कि अपने व्यापार में खुश हैं। आप बार बार उनसे पूछते रहते हैं कि मुझे क्यों रोक रहे हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया होगा। मेरे ख्याल से आपने शायद समझा नहीं होगा। राजनीति से दूर और बिजनेस में मशगूल रहने वाले रॉबर्ट वाड्रा ने साल 2007 और 2008 में 50 लाख की पूंजी से 5 कंपनियां शुरू की और उतर गए रियल एस्टेट के धंधे में। अब अरविंद केजरीवाल स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड समेत रॉबर्ट की उन्हीं 5 कंपनियों के बही खातों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरविंद सवाल उठा रहे हैं कि डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा की मदद आखिर क्यों की? तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन आखिर क्या थी? पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ये है कि डीएलएफ वाले 300 करोड़ रुपया उनको देना चाहते थे। वो 300 करोड़ रुपया उन्होंने ये 6 कंपनियां बना के और कुछ ट्रांजैक्शंस कागजों पे दिखा के 300 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। क्यों किया? तो ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो फायदा पहुंचाया रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ को। 350 एकड़ जमीन वजीराबाद में हरियाणा में डीएलएफ सरकार ने हरियाणा के लोगों से लैंड एक्वायर की 350 एकड़। कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए कर रहे हैं। हमने अभी पता किया तो वहां के लोगों ने बताया कि वो, उन्होंने कहा वहां इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन वो सारी जमीन उठा के उन्होंने डीएलएफ को दे दी अपार्टमेंट्स बनाने के लिए। और कई सारे क्लियरेंसेस उनको बड़ी जल्दी जल्दी मिल गए। इन्हीं अपार्टमेंट्स में उनको 7 फ्लैट्स मिले हैं रॉबर्ट वाड्रा को